नहीं बताएगी गोदी उठाऊं जहां ना वैसे हैप्पी लिपस्टिक लगा ये वैलेंटाइन प्रूफ है आई लव यू आई लव यू चल बोल तुझे वैलेंटाइन पे क्या गिफ्ट चाहिए बोल बोल हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ ये मैं गिफ्ट मांगा ना वो बोला ना यही चाहिए जो पता है जमाने में कितना झगड़ा हो गया है ये बोल रहे हैं तीनों वो होते ही मैं चली जाऊंगी मेरे यार मेरे को बुरा बुरा बोलने देना तो देखने देना एक दो वीडियो बनाने देना फिर चल जाएंगे मेरा वो फंक्शन भी स्टार्ट हो गया सिर्फ और सिर्फ तेरे और चीनों के लिए आई हूँ बेटा मम्मी के लिए भी आई हूँ अभी मम्मी गुस्सा करेगी मेरे लिए नहीं आई आई लव यू सरिता नाश्ता किया क्या नहीं नहीं ये तुम्हारे है थाली तुम अपना थाली मुझे देख के क्यों रखी हो वीडियो बनाने में लग हां वीडियो बनाने में लग रही हो खुद की थाली मेरे को पकड़ा के और तुम वीडियो बना रही हो और तुम लोगों को ये दिखा रही तुम खाना नहीं खा रही हो हां कितना खाओगी खा रहा तो तुम बनी चाय पी रही ये देख रही है इसमें क्या क्या है मैं पहले बताऊं तो मेरी थाली में था क्या और मैंने खाया क्या मुझे ये तो पता चले ए शबनम शबनम तो देखेगी नहीं बेन फिल्टर लगाऊंगी प्लीज पर वाला प्लीज प्लीज पर वाला डालती है मेरे को बनाया प्लीज पर यार पर ये लड़की तुम देखो यार ये कितनी गोरी लग रही है यार नीचे दीदी के ब्लॉग सभी से सेम ही लग रहे हो छोटी कुछ बोलना चाहती है एक बार फिर ये बोल रही है कैमरा भी नहीं पूछा मैंने चलो शबनम क्या बोल रही क्या बोल रही छोटी क्या बोलती नीतू दीदी के ब्लॉग में जाना और बोलना आ बेल मुझे मार मन लगा के तो खाना खा बट मेरे को कुछ नहीं दिख रहा भूख लगी है खाते जाओ साक्षी तो कुछ बोलती क्यों नहीं है यार इतनी चुप क्यों रहती है मैं हकीकत बताती हूँ मैं तो रहने दो उसको ही बोलने दे कुछ अब जब जब साक्षी मेरे पास आती है मैं भाग जाती हूँ कभी तू दूर रहे तू साक्षी दूर रहे प्लीज हाइट की वजह से हाइट के कारण नहीं यार अच्छी लगती है चलो मैं आपको मनाती हूँ कोई बात नहीं ये पिंकी भादौड़ है ये शबनम जी है वो साक्षी है साक्षी जी साक्षी जो भी ये नीतू नीतू कौन है नीतू भोपाल की बहू हाँ नीतू भोपाल की बहू सर मैं भूल गई थी और ये गांव की शांति है ये जैसे शांति नाम है उसका वैसे ये शांति है इसका माथा मोड़ी नहीं है कुछ भी ये हर काम हमको पूछ पूछ के दीदी आपकी फोटो लेनी है प्लीज ले लूं मैं फोटो ये ऐसे करेगी ब्लॉग शूट हो रहा है खुजल पुचल मत करो सारी बातें डालूंगी नीतू के जैसे बिना एडिट किए इतनी लंबी है लेकिन फिर भी इतनी ऊंची हील पहन रही और मुझे एक तो 100 की हील के कसम से इतनी हील पहन रखी मैंने 3 और मेरे पास इससे भी ज्यादा है मुझे शाबाश अपने पति का खूब खर्चा करा और नाम रोशन करो आपको पता है सबसे लंबा कौन साक्षी नंबर 1 पे
प्रधान है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखो महिलाओं को तनाव तो झेलना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद जो आप लोग करके इतना तैयार हो ना, काबिले तारीफ। जेठू भाई के लिए भी एक लाइन बोलूंगी, जिन महिलाओं को अगर आपकी तरह सोच रखने वाले पति मिलेंगे ना, तो वो डेफिनेटली तरक्की करेंगे और अपनी पहचान बनाएंगे। मतलब इंडियन तो मेरी बात कर रही है, इनके जैसी सोच। आप कहीं से भी शुरू करो, आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ती, परेशानी हमेशा सबसे नजदीक से झेलनी पड़ती है। हाँ। पति गिनो, पिता गिनो, वो इसका मतलब आपके दुश्मन नहीं होते। सही बात है। वो ये सोचते हैं कल को कोई मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी पत्नी, जो भी रिश्तेदार है मेरा, उसको कोई एक्स्ट्रा परेशानी ना आ जाए, इतनी सी बात होती है। इस चीज़ के लिए वो लोग आपको मान लो कि रोकते हैं आगे के लिए, और जैसे जैसे आप इन चीज़ों से थोड़ा आगे जाते हो ना, जब लोगों को पता चलता है ना कि अब इनको डांट का, गालियों का फर्क नहीं पड़ेगा, या ये इस लेवल से ऊपर है, आपको अपने आप सपोर्ट मिलना शुरू होगा। यहाँ पे नेहा और चीनू दोनों आ चुके हैं तिलक की रस्म के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, सच बताऊँ यहाँ आके एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं और आई हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा खुद का ही भाई है। इतना ज़्यादा सम्मान मिला ना यहाँ आकर, वो मैं शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सारा सामान आया था भाभी के पियर से भाई के तिलक के लिए, तो यहाँ पे भाई का पहले तिलक हो रहा है। हमारे में तो ये तिलक का रिचुअल नहीं होता है, बट किसके किसके तिलक का रिचुअल होता है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ को गोद में बैठा गया, हम सबने खूब सारी बातें की। ये चीज़ देख के ना दिल बागबान हो गया कि अपने बहन के लिए या बहन के ससुराल के लिए तो हर भाई करता है, पर ये जो शुभा के भाई और भाभी थे, मतलब इतना अच्छा लगा कि हम जितने इन्फ्लुएंसर गए थे ना, सबको उन्होंने गिफ्ट दिए, तिलक निकाला, इतना मान सम्मान दिया हमको, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया भाई भाभी। रोते हुए बंदी को हंसा देती है ये तो बंदी, और अब थोड़ा सा भी वो फेस बहुत रीडिंग करती है। जब ये रोए ना तो समझो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो इसको रोए हुए भी नहीं देखा। अभी रुक, थोड़ी देर में बता दे। चुप दिखाएगी आपको, चुप चाप चाप, क्योंकि मेरा, अरे नहीं मेरा वाला शूट हो रहा है ना, उसमें वॉइस पूरा जाएगा, इसीलिए रुक गई मैं। कुछ भी देश के बारे में बोल दे। शादी चीनू की हो रही है, देश के बारे में क्यों बोलूं मैं, तो है ना। शादी के बारे में चीनू आज बहुत सुंदर लग रहा है, चीनू का तिलक हो रहा है, नीचे से ज्यादा सुंदर मैं लग रही हूँ। नेहा हाय कर, नेहा हाय कर, हाय। नेहा की आंखों से खुशी दिखाई दे रही है आपको भाई, ऐसी कैसे कौन दिखाता है किसी भाई। हाँ तो हम लोगों को यहाँ आके बहुत ज्यादा खुशी हुई। नेहा ने बहुत 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 शानदार सा अरेंजमेंट कर रखा था, और सबसे बड़ी बात है कि नेहा की हेल्पर नीतू बहुत सपोर्टिव है उसके लिए, और उसने और क्या तारीफ करूँ बता दो। अरे तो मैं से पूछ के तारीफ करी उस। अच्छा ये सारी चीज़ें मुझे इसने नहीं सिखाई है। हाँ, ये मैं खुद से बोल रही हूँ, ये भी बात झूठ है, ये भी बात झूठ है। थोड़ी शराफत है, बाकी तो पूरी बदमाशी। मैंने आज दो समोसे, दो ढोकले, दो कटोरी हलवा, और क्या। मैंने दो कटोरी हलवा नहीं खाया, सैंडविच नहीं, मैंने एक खाया था, ये सारा मैंने खाया, ये सारा मेरे खाना। नेहा बड़ी सुंदर लग रही है, और बहुत प्यार से देखो, बहुत ही प्यार से, मतलब झलका झलका रे, आज मैं आई ना इतना गुस्सा, तू कहाँ थी। सही तो बात है, फिर मैंने पूरा हक किया, फिर उसको खुश करने के लिए नीचे झुक के उसको प्रपोज किया, बिलीव मी माय वैलेंटाइन खुश हो गई। अच्छा तो वैलेंटाइन डे ना, तो क्या हमारा बुढ़ापा आ गया, 10-10 साल हो गए शादी को, काहे का वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन कौन एंजॉय कर रहा है, हम तो अपने कर रहे हैं। आप लोगों का क्या हाल है, जिया तुम बताओ तुम्हारा वैलेंटाइन। कुछ नहीं, कौन बोला मैं। अरे तुम्हारी वैलेंटाइन है कहाँ पे। ये है नेहा का दो नंबर, मतलब छोटा भाई है दो नंबर, बट जितना चीनू से पूरा ऑपोजिट है ना।
नहीं नहीं अच्छा है, मतलब चीनू जितना शांत है वो उतना ही वो है। मैं बताता हूँ मेरी शादी में चार चांद लगाने वाले ये घर में शादी है, शादी छोड़ के आ रहे हैं, घर में तबीयत ठीक नहीं है, वो छोड़ के आ रहे हैं, ये आ नहीं पा रहे। लाने वाले तो ये है ना, ये वो ही बोले कि चलो ससुराल चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, भाई की शादी और बहने आए और जीजा बनाना है, वही नहीं सकता, जाना तो पड़ेगा। तेरे को पता है मैंने शादी के 10 साल में कभी इनसे जिद नहीं की कि मुझे मेरे पीरियड में भी कोई फंक्शन में लेके जाओ, कभी नहीं की। इनको पूछ लो, ये पहले जीजा लास्ट में इन्होंने बोला यार नहीं जाना, कोई बात नहीं, और क्या आप जीजा के रस्म करके जाना है सबको। मैंने इनको तभी लेके आई, मैं जीजा की रस्म जीजा की रस्म में नहीं लेना पड़ेगा, हम लेके जाएंगे। ईमानदारी से पूछो जाके, मैं जीजा मेरे को जीजा कपड़े पहनाता है, जैसे कोई जीजा ये बनाएगा, कोई जीजा जूते बनाएगा, कोई साफा बनाएगा, वो नेक देता है साले को। कितने सारे कपड़े आए थे, नहीं आते तो मैं कितना मस्त करती आपको, है ना। एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे लाने के लिए। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बेस्ट हस्बैंड एवर, लव यू। कुछ बोलो, लव यू ही बोल दो, बोल दो, जरूरी है। हाँ ऐसे नहीं होता, बोलो नहीं ऐसे होता नहीं, बोलो बोलो लव यू टू, ऐसे बोलो आई लव यू टू, ये कैसे लव, बोलो आई आई लव लव यू यू टू यू। मेरे को यूट्यूब पर आने के लिए बहुत और आपकी तारीफ ये बहुत करते हैं मेरे पास, दो दिनों से मतलब दो दिन मिले दोनों दिन तारीफ की बहुत ज्यादा, भाई बहुत अच्छे हैं, नाम से सुन रखा था मैं, भैया लगते बहुत सुन रहे हो इंसान टेढ़ी, तो मैं एक ही काफी हूं घर पे। मेरा आदत है जो जिसने किया है ना वो मैं 100 लोगों के बीच में एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ कि हाँ इसने मेरी ये हेल्प की है, इसको इसमें क्या है यार, आज के टाइम में कौन किसकी हेल्प करता है, कोई नहीं हेल्प करता है, फैक्ट है। तेरी पहले शादी होएगी फिर करियर शुरू होगा बेटा, अभी खुशी वाली गाड़ी चलने दे, खुशी खुशी चलने दे, ये बाद में प्रेशर बाद में ही ले लेना, हाँ मतलब है ना, होता है ना टेंशन, क्या चीज सिर्फ यही होता है। सरिता हंसते हुए पहन रही है, मम्मी इतनी दूर से जाके मेले लेके आई है, तुरंत गई थी मम्मी लाने, तो सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो यार एक चूड़ी की रस्म जो कि कल सुबह की थी वहाँ पे मेरे आए नहीं, तो मम्मी ने तुरंत जाके मेरे लिए बड़ी सी गोरी होने के बाद, हाँ लेकिन ये कुछ ओवर ही गोरी उसमें पार्लर तैयार होने और हम अब जाएंगे, हैरान परेशान कितने काम है यार। नेहा जी हम अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, नेहा जी काम बहुत काम किए, ये सब इसलिए संभाल रखा बहुत अच्छी है, मम्मी पापा की लाडली बेटी है, बहुत कामेडी बेटी है, सब भाइयों की लाडली बहन है, बहुत ज्यादा काम की है, बहुत ज्यादा। सच में मैं भी यही चाहूंगी कि मेरी बेटी जब कभी भी हो लाइफ में तो नया जैसी है, ठीक है। तो अगर मैं चली जाऊं तो तू रोना मत, मेकअप खराब हो जाएगा तेरी। तो शांति कैमरे उसमें दिख रही है वहां से मिलन में। अच्छा, क्या मेरा
बेचारी उसको थोड़ा चैन पड़ जाएगा आज छुटकी खुद ही गई आज वो गई वो बोली दीदी आज मैं भी पार्लर में तैयार होके आऊंगी तो हमने भी हाँ नहीं वो भी अभी ये रस्म हो रही है कंगन डोरा की जिसमें जीजा और जीजी करती हैं तो चीनू का बहुत मन था कि जेठू जी ये रस्म करे इसीलिए स्पेशली मैं जेठू जी को लेके आई थी उसके लिए और इतना इतना अच्छा लगा ना जेठू जी भी बहुत खुश हुए ज्यादा नहीं ना ब्लड तो नहीं ना वो ज्यादा जरूरी है कम आई इनको देना चिंकी को दिया उन्होंने गोल किया वो पैसे किसको देने हैं दादी माँ आप दे देना मम्मी उस रस्म के बाद ये कि गोदी लेने वाला रस्म होता है तो जीजा अपने साले को गोदी लेती है मैंने क्या बोला था नेक यही लगता है तुमने क्या बोला तो जीजो देता है ए खुशबूस खुशबूस अंदर क्या करो इधर भी दिखाओ तो ये है मेरी तरफ से मेरी गर्लफ्रेंड्स को पिज्जा पार्टी और तुम लोग मुझे रिटर्न गिफ्ट दो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है हम सब देखा मेरे को थम्स अप पसंद ये शर्म तेरे लिए खाने को लेके आई तुम लोगों को पिज्जा खिला रही हूँ नहीं नहीं मैं नहीं होंगी बीमार पसंद है खत्म तू बात समझ तूने सिर्फ रील के लिए मंगवाया था हाँ ये ले लेते मैं मजाक कर रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है दूल्हा ऐसे सबको पूछ रहा है ये दूल्हे मियाँ हैं जो कि तैयार हो गए खुद और हम बहनों के पीछे पड़े हैं ये बहनें हैं ढीली है ना बहुत ढीली है मेरा बनड़ा सुबह को लाने के लिए बड़ा एक्साइटेड है सबसे पहले रेडी हो गया है हाँ, आगे सुनने लग रहा है ये क्या कर रहा है हेलो निकाल दो साफ निकाल दो हाँ पापा बस बस धन्यवाद